अक्षय कुमार पिछले दिनों दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने। वहीं इस लिस्ट में इंडिया से वो इकलौते सेलेब हैं। उनका कहना है कि पैसा उन्हें आसानी से नहीं मिला है, बल्कि इसके लिए उन्होंने खून पसीना बहाया। आज भले ही अक्षय भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना अपनी खुशनसीबी मानते हैं, लेकिन एक वह दौर भी था जब विवेक मुशरान भी क्रेडिट लिस्ट में खुद को अक्षय के नीचे नहीं देखना चाहते थे। बात तब की है जब दोनों एक्टर्स ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अक्षय की डेब्यू फिल्म सौगंध 25 जनवरी 1991 को रिलीज हो चुकी थी और विवेक अपनी पहली फिल्म सौदागर की रिलीज का इंतजार कर रहे थे, जो उसी साल 9 अगस्त को सिनेमा घरों में आई। अक्षय ने साइन किया था पैरल लीड रोल मेरे जीवन साथी 1972, जलजला 1988 और जाल द ट्रैप 2003 जैसी फिल्मों के निर्माता हरीश शाह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ट्रिस्ट विद फिल्म समय अक्षय और विवेक की इस फाइट का खुलासा किया है। उनके मुताबिक वो एक फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करना चाहते थे और इसके लिए अक्षय ने पैरेलल लीड रोल साइन कर लिया था। विवेक मुशरान को इसके लिए मनीषा कोइराला के अपोजिट कास्ट किया था। क्रेडिट को लेकर फंसा पे चूंकि अक्षय की एक फिल्म सौगंध रिलीज हो चुकी थी और विवेक सौदागर की रिलीज का इंतजार कर रहे थे, इसलिए अक्षय ने खुद को सीनियर बताया और मेकर्स से कहा कि वो क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम पहले दें, लेकिन विवेक को यह मंजूर नहीं हुआ। फाइनली अक्षय ने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया था। हरीश लिखते हैं, मैंने अक्षय को समझाने की बहुत कोशिश की कि क्रेडिट को मुद्दा मत बनाओ, लेकिन उन्होंने फिल्म छोड़ दी। शाहरुख फिल्म करने को हो गए थे तैयार। हरीश की माने तो इस फिल्म में दिलीप कुमार और हेमा मालिनी भी अहम भूमिका करने वाले थे। जब अक्षय इससे बाहर चले गए तो शाहरुख खान उनके पास आए और फिल्म करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसी बीच दिलीप कुमार ने कलिंगा नाम की फिल्म डायरेक्ट करने का फैसला लिया और हरीश की फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। बाद में अक्षय और शाहरुख दोनों ही बड़े स्टार बन गए और विवेक मुशरान का करियर कुछ खास नहीं बन पाया। वो टीवी पर चले गए और बाद में बड़े पर्दे पर कैरेक्टर रोल करते देखे गए। कलिंगा भी कभी रिलीज नहीं हो सकी। 20 अप्रैल 1991 को कलिंगा का मुहूर्त शॉट हुआ। उस वक्त के जाने माने फिल्ममेकर सुधाकर बोकाड़े फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और दिलीप कुमार पहली बार डायरेक्शन कर रहे थे। दिलीप कुमार के साथ जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, राज किरण, शिल्पा शिरोडकर भी फिल्म में नजर आने वाले थे। संगीत नौशाद से बनवाया गया था। फिल्म की काफी चर्चा रही, लेकिन 90% फिल्म बनने में 3 साल लग गए। इसका पूरा होना मानो मजाक बन गया और यह कभी रिलीज नहीं हो सकी।